जालौन लाइव टीवी के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करते जनपद जालौन से, जहां आटा थाना में शनिवार की शाम को एडीजी कानपुर और विधायक कालपी ने पुलिस अतिथि गृह का उद्घाटन किया। इसके बाद एडीजी कानपुर ने बेहतर पुलिसिंग का लोगों को विश्वास दिलाया। शनिवार की शाम 5 बजे एडीजी कानपुर जय नारायण सिंह, विधायक कालपी नरेंद्र पाल सिंह ने पुलिस अतिथि गृह का उद्घाटन करते हुए विधि विधान से पूजन किया। इसके बाद उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए आदेशित किया कि किसी भी प्रकार की महिला की शिकायत पर शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए। इसके बाद उन्होंने अतिथि गृह के महत्व के बारे में भी बताया कि अगर कोई पुलिस विभाग से लखनऊ से चलता है और मध्य प्रदेश जाना है तो वह इस अतिथि गृह में आराम कर सकता है। इसके बाद उन्होंने एमएलसी चुनाव के बारे में भी बताया कि शांति व्यवस्था के चलते चुनाव निपटाया जाएगा और हर बूथ पर 10 पुलिसकर्मी मौजूद रहेंगे। उन्होंने बताया कि सर्दी के मौसम में बने वाले अपराधों पर रोक लगाई जाएगी और क्षेत्र में गश्त भी बढ़ाई जाएगी। इस मौके पर आईजी झांसी सुभाष चंद्र बघेल, जालौन पुलिस अधीक्षक डॉक्टर यशवीर सिंह, सीओ कालपी आरपी सिंह, सीओ उरई संतोष कुमार, प्रभारी आटा सुनील कुमार सिंह, एसएसआई आटा प्रदीप कुमार व वरिष्ठ भाजपा नेता अंजनी तिवारी, कल्याण सिंह बारा समेत सैकड़ों लोग मौजूद रहे। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं मे निजरालाये तनो हरे। द्वारा महिला सशक्तिकरण, महिला शक्ति को लेकर जिस तरह कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इसको लेकर सर क्या दिशा निर्देश है और किस तरह से वर्कआउट कर रही है? देखिए, मिशन शक्ति के रूप में जैसा आप सभी जानते हो, हर जगह महिला हेल्प डेस्क का गठन किया गया है। इस संदर्भ में बजट भी प्राप्त हुआ है। विभिन्न जगहों पे आप देख रहे हैं कि हर थाना क्षेत्र में एक अलग से महिला हेल्प डेस्क का गठन किया गया है, उसमें पुलिस कर्मियों को भी लगाया गया है। और एक और स्पष्ट निर्देश सभी थानों को ये दिया गया है कि कोई भी महिला किसी भी रूप में जाते हैं, अगर उन उसके साथ कोई अपराध, विशेष रूप से गुमशुदगी की जो बात आती है, तो अब गुमशुदगी नहीं लिखी जाएगी, सीधे FIR दर्ज होगी, मुकदमा पंजीत किया जाएगा। और अगर नामजद कोई है तो हम लोगों ने भी ये भी निर्देश किया है, इसका पालन भी सुनिश्चित हो गया है कि थानाध्यक्ष तत्काल घटनास्थल पर जाएंगे और क्षेत्राधिकारी तत्काल इस प्रकरण को अपने SP के संज्ञान में लाएंगे। और हम लोगों ने यह प्रक्रिया शुरू भी कर दिया है। और अब किसी भी रूप में आप लोग को भी इस तरह की कोई शिकायत आती है कि पुलिस FIR नहीं लिख रही है, गुमशुदगी लिख रही है या थाने पे टालमटोल कर रही है, हम आपके माध्यम से भी अपील करता हूं कि कोई भी इस तरह की शिकायत है, आप भी हमारे संज्ञान में लाएं, हमारे अधिकारियों को संज्ञान में लाएं। हम पूरी तरह कटिबद्ध हैं कि महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में पुलिस जो है का हर पुलिसकर्मी जो है इसके लिए तत्पर है और कहीं भी किसी रूप में लापरवाही नहीं बरती जाएगी। सर, अपराधियों के खिलाफ जिस तरह से अभियान चला जा रहा है, इसको लेकर किस तरह से गाइडलाइन या किस तरह से दिशा निर्देश? देखिए, बीच में जैसा आप देख रहे थे कि कतिपय जनपदों में अवैध शराब को लेकर के जो है मौतें हुई हैं, लेकिन हमारे यहाँ अधिकारी लगातार सक्रिय रहे और हम लोग पहले से ही, लगभग 1 महीने पहले से ही इसको लेकर के अभियान चला रखे थे। वो अभियान अवैध शराब को लेकर के अभी भी जारी है। विशेष रूप से अगले 2 महीना हम लोग को, जैसा आप जानते हो, बावरियों को लेकर के जो हमारा बाहरी इलाका है, यह बड़ा संवेदनशील हो जाता है दिसंबर जनवरी में, जैसा कि ठंड भी बढ़ जाती है। आउटस्कर्ट्स के जो हमारे इलाके हैं, इस संदर्भ में IG साहब के माध्यम से, SP साहबान के माध्यम से सभी की हमने बैठक भी, झांसी में भी एक बार बैठक कर ली है और यहाँ जालौन में भी बैठक करके सबको बता दिया गया है कि बाहरी इलाकों में हम विशेष रूप से मुस्तैद रहेंगे, जिसे इस साल जो जाड़े का मौसम है दिसंबर जनवरी, हम इंसिडेंट फ्री जो है हमारा जो है इलाका रह सके रहते हैं। इसी के साथ साथ जो, जैसा आप जानते हैं, हाईवे की भी घटनाएं इस दौरान दिसंबर जनवरी के समय होती हैं, उसको भी हम लोगों ने हाईवे पेट्रोल के माध्यम से उसको भी और मजबूत किया है। पेंट से पहले लगाइए घरौंदा बॉल पुट्टी, पपड़ी और फंगस की करे छुट्टी, घरौंदा बॉल पुट्टी। जनपद जालौन की लोकल खबरें देखने के लिए जालौन लाइव TV चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें और बेल आइकन भी दबाएं।